ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो. वैसे तो बहुत सिली है, काफ़ी लोग बोलेंगे ये भी कोई दिखाने की चीज़ है, लाइक बाथरूम टूर ये कौन करवाता है, लेकिन करवाते हैं जो बहुत मिन्नतों से, बहुत चाहतों से, और लाइक अपना ड्रीम वॉशरूम बनवाते हैं तो वो लोग करवाते हैं, जैसा मेरा था. वैसे मैंने कभी ऐसा ड्रीम भी नहीं किया था, ऐसा पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सब भगवान की देन है. तो हाँ, तो मैंने अपने बाथरूम भी रेनोवेट करवाया था. एज़ यू ऑल नो, मैंने अपना पूरा एरिया रेनोवेट करवाया था. तो बाथरूम में मुझे हमेशा से था कि अगर मेरा कोई पर्सनल लाइक वॉशरूम होगा, बाथरूम होगा, तो मुझे वहाँ बाथटब चाहिए और मेरे को अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, क्लीन चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए. तो मैं हमेशा पापा से बोलती थी, तो मैंने कुछ अपना ऐसा ही बनाया है और कि मैं वहाँ अपना मी टाइम और अच्छे से स्पेंड कर पाऊँ, जो वो ऐसा मैं आजकल कर रही हूँ. मैं रात को 2-3 बजे नहाती हूँ, तो मैं मस्त अपने बाथटब में रिलैक्स करती हूँ और नहाती हूँ. लाइक दिस इज़ लाइफ. ओके, इस वीडियो में भी गिव अवे होने वाला है, और इस गिव अवे का भी बिल्कुल हमारा सेम सीन होगा जैसे हमने लास्ट टाइम किया था. एक विनर गर्ल होगा और एक विनर बॉय होगा, नो पार्शियलिटी, जिससे मुझे बहुत सारी बातें सुनने को ना मिले. इसमें भी जो मैंने गिफ्ट्स रखे हैं वो मैंने गैजेट्स ही रखे हैं, क्योंकि लास्ट 2 वीडियोस में आपको मेरे गिफ्ट्स पसंद आए थे, तो इस बार भी मैंने अपने गैजेट्स रखे हैं. मैं दिखाती हूँ वो क्या क्या है. एक मिनट. जो सेकेंड विनर होगा उसको तो मिलेगा ये पावर बैंक, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये. और जो फर्स्ट विनर होगा उसको मिलेगा ये स्पीकर्स. तो इस बार मैंने ये 2 गिफ्ट्स रखे हैं. तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना एंड पार्टिसिपेट ज़रूर करना, और मैं चाहती हूँ दिल से कि आप ये गिफ्ट्स जीतो. चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जैसे ही एंटर करेगा कोई भी मेरे वॉशरूम में, तो उसको सबसे पहले ये वाला एरिया देखने को मिलेगा. ये बहुत सुंदर सा एरिया लगता है मुझे. 2 प्यारे प्यारे से मिरर आप देख सकते हो, राउंड शेप के. वॉश बेसिन है इधर, और नीचे 2 स्टोरेज का स्पेस है, और दोनों साइड पे प्लांटर्स प्लेस हुए हुए हैं, एंड एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा इधर लैम्प है. और तो ये रहती है मेरी मेन फ्रंट एंट्रेंस जब भी कोई मेरे बाथरूम में एंटर करता है. उसके बाद जब इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ये स्टोरेज का स्पेस दिया हुआ है, एंड इधर एक और डोर दिया हुआ है कनेक्टिंग इधर वाले रूम से. तो ये बंद ही रहता है और ये हमेशा बंद ही रहेगा, लेकिन पता नहीं क्यों हमने दे दिया था, तो चलो दे दिया था. और पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ एरिया में मैं क्या क्या रखती हूँ, कैसे रखती हूँ. फर्स्ट मैंने आपको ये 2 स्टोरेज के बारे में बताया था. ये फर्स्ट स्टोरेज तो खाली रहती है, शायद इसमें कुछ होगा, खाली रहती है ये स्टोरेज. और इन स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें पूरा क्लीनिंग का सामान रहता है, जो भी कुछ होता है पूरा हार्पिक ग्रॉल ये वो, यहाँ पे पूरा क्लीनिंग का सामान है. और यहाँ पे मेरे बेसिक जो मैं हैंड वॉश और मेरे फेस वॉश और मेरा ब्रश एंड ऑल, ये ऊपर रहता है, जो मेरा बेसिक सुबह और शाम और रात का रूटीन है उस चीज़ का. और इधर एक क्यूट छोटा है प्लांटर्स है, आप देख सकते हो पीछे एक वो लगा है एयर प्योरीफायर, उधर भी सेम प्लांटर्स हैं. और वहाँ मैंने एक टिश्यू पेपर का बॉक्स रखा है, और साइड में मैंने यहाँ पे ये रखा है, ये अरोमा डिफ्यूज़र है एक, मैंने ये रखा है. फिर बात की जाए इधर वाले स्टोरेज की, तो ये लाइक मेरे वॉशरूम के लिए एक स्टोरेज है जो ऑलमोस्ट खाली है, इतना भरा हुआ नहीं है. फर्स्ट सेक्शन में मेरे बेसिक बॉडी वॉश बॉडी स्क्रब है, सेकेंड में वही बेसिक्स शार जेल्स हैं, यहाँ पे मेरी सारे सैनिटरी नैपकिनस हैं, और ये रूम फ्रेशनर्स हैं. नीचे वाला एरिया खाली है, ज़्यादा कुछ मैंने अभी रखा हुआ ही नहीं है, इतना ही है. इधर देखा जाए तो इधर अपना गंदा एरिया लेकिन यहाँ मैंने रखा है क्यूट सा प्लांटर, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, मैंने कैंडल धर रखी है. तो ये एक अपना सेपरेट एरिया हो गया. और मुझे ये वाला हाइलाइटर टाइल बहुत पसंद है, लाइक मेरी वॉशरूम में जो 2 हाइलाइटर टाइल्स आपको दिख रही हैं वो दोनों, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. फिर इधर आए तो ये मेरे सारे बाथरोब्स, एंड इधर आता है मेरा टड्डा बाथटब. इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने एक बेसिक सा बाथटब लिया है अपने वॉशरूम के लिए, मुझे बस एक बाथटब चाहिए था, दैट्स ऑल.
कि विंटर्स का टाइम हो और मैं जिम से आई हूँ और मुझे चाहिए एक वार्म वाटर बाथ, मैं आराम से पड़ी रहूँ, मेरे मसल्स रिलैक्स हों, वैसा वैसा तो कहते हैं कि चिल्ड वाटर में आपको लाइक लेटना चाहिए, लेकिन विंटर्स में तो, सर्दियों में तो गर्म पानी वाला बाथ से कितना मज़ा आएगा। तो ये मेरा छोटा सा एक एरिया है, ठीक है, और ये है मेरा एक कैबिनेट, टडा, यहाँ पे ये शार लगा है। मुझे यहाँ पे देख के आ रहा है कि यहाँ पे अभी भी गीज़र लगना बाकी है, गीज़र लगाएंगे यहाँ पे, और अभी नीड भी नहीं है तो इसलिए ध्यान भी नहीं है। यहाँ के पूरा रेन शार है, बड़े मस्त यहाँ पे रेन शार लेती हूँ, जब कभी मुझे जल्दी होती है तो मैं रेन शार में नहाती हूँ ऑब्वियसली, और जब मेरे पास बहुत टाइम होता है, मैं रात में नहा रही होती हूँ, तो मैं बाथ टब में नहाती हूँ। तो ये मेरा बेसिक सा एरिया है, और अभी यहाँ पे शेल्फ लगने बाकी हैं, तो ये भी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और क्योंकि मुझे शेल्फ उस कलर के मिलने ही नहीं है जिस कलर के मुझे चाहिए हैं, मैं 2-3 बार रिटर्न भी कर चुकी हूँ, तो वो प्रॉपर कलर मेरे को मिल नहीं रहा है, क्योंकि जिस कलर के मैंने पूरे हैंड शार्स और ये सब मंगवाया है, तो इनका जो कलर है मुझे सेम कलर में चाहिए है, अपने शेल्फ्स या कॉर्नर कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मुझे अगर कुछ भी लाइक कोई भी शार जेल या कुछ लेना होता है तो मैं वही पर्टिकुलर उठा के लेके आती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ, फिर उसको मैं वापस वहीं रखती हूँ। उससे एक चीज़ होती है, थोड़ा साफ सुथरा नया नया सा भी लगता है, पूरा मैसी मैसी नहीं होता, तो ऐसे मैं करती हूँ। आजकल मेरे शौक और क्रेज़ भी हो गया कि मैं काफ़ी सारा कलेक्शन करूँ अलग अलग शार जेल्स का, तो मुझे होता है कि आज मैं इससे नहीं, कल मैं इससे नहाऊँगी, तो मैं उसका भी कलेक्शन कर रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा, बहुत बेसिक चीज़ें ही हैं ऑब्वियसली, जो वॉशरूम में एक बाथरूम में होती हैं वही हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी है, लाइक मुझे बहुत पसंद है, लाइक मेरे को अब यहाँ के ऊपर आके लगता है कि हाँ लाइक मैं बहुत अच्छी जगह हूँ, मैं समझ सकते हो आप मेरे दिल की फीलिंग। और अभी इतनी ज़्यादा लाइट्स यहाँ ऑन है, ये मैंने इतनी सारी लाइट्स लगवाई भी इसीलिए कि जब मुझे कोई शूट करना हो, कोई ब्रांड शूट हो या कोई प्रोडक्ट का शूट हो, तो प्रॉपर लाइटिंग मुझे मिल जाए, लेकिन मैं रोज़ इतनी लाइट्स तो बिल्कुल भी नहीं जलाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितनी कम लाइट्स में, ओ ये भी लाइट बंद करती हूँ, और बाहर से बंद होती है, ये भी लाइट बंद करती हूँ। अब आप देखो, अब इस वॉशरूम की लाइट्स क्लोज होने के बाद एक अलग ही वाइब आती है, लाइक बस इसमें प्रोफाइल लाइट्स चल रही है, बस इतना ही, बहुत इस टाइम पे बहुत सूदिंग वाइब्स देता है, बहुत काम वाइब्स देता है, एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक चल रहा हो और सेंटेड कैंडल्स जल रही हो, देन व्हाट एल्स यू वांट, एक रिलैक्स बाथ, और आप बहुत फ्रेश फील करोगे। आप ये चीज़ रिलेट कर सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो खुद के साथ, तो क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लाइक मी टाइम तो चाहिए ही है, तो मेरा सबसे ज़्यादा मी टाइम जो मैं स्पेंड करती हूँ वो अपने वॉशरूम में ही स्पेंड करती हूँ, बाथ टब में पड़े हुए, तो मैं बहुत खुश हूँ। सबसे ज़्यादा खुश तो मैं इसलिए हूँ कि मेरा पर्सनल रूम, मेरा पर्सनल वॉशरूम है, लाइक पर्सनल वॉशरूम इज़ मस्ट हैव। हाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरे वॉशरूम में सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे क्यूट पार्ट है क्या, चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो करना है मैं वो भी बताती हूँ, वैसे तो सेम ही चीज़ रहेगी, आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, जितना ज़्यादा आप उसको कर सकते हो, एंड ढेर सारे कमेंट्स करने हैं, और मैं उन्हीं कमेंट्स में से रैंडमली एक गर्ल एक बॉय को चूज़ करूँगी, और कमेंट्स भी ऐसे कि लाइक मेरे को उनके कमेंट्स से हाँ ये रिलेट हो पाए कि आप लोग मुझे इतने टाइम से जानते हो, इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो, ऐसे ही नहीं कि वो एक अननोन बंदा रैंडम आया कुछ भी कमेंट कराओ मैं उसको सेलेक्ट कर लूँ, ऐसा तो नहीं मैं चाहूँगी। तो आपको क्या करना है पूरी डिटेल से मैं आपको बताती हूँ। सो जो चीज़ें आपको करनी है वो है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है, और आपको ये बताना है कि आपको मेरी शॉर्ट्स वीडियो में से कौन सी शॉर्ट सबसे ज़्यादा पसंद है, और हाँ अपना इंस्टाग्राम यूज़र आईडी ज़रूर कमेंट करना। जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपसे नई वीडियो में, और हाँ जो जो मैंने बोला है वो करना ज़रूर, और पार्टिसिपेट ज़रूर करना गिव अवे के लिए, ओके, विनर्स भी मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूँगी। सी यू वेरी सून गाइज, बाय बाय, आई लव यू।